वेरी गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, आई एम नेहा शर्मा। आज है 23 सितंबर। तो चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। सॉरी नॉट दिस, बट आई विश हम सब करोड़पति बने, हार्ड अर्न करें, पैसा अच्छे से कमाएं, बड़े होकर करियर बनाकर, कैसे मेहनत करके पढ़ेंगे तो ही बढ़ेंगे। तो ये सब चलो मजाक की बात थी। तो हम आज पढ़ेंगे ग्रामर में मॉडल्स। मॉडल्स मॉडल्स जो है वो वर्ड मूड से निकला है। जो भी आपके अंदर जो एक्सप्रेशंस हैं, वॉट एवर यू फील, योर डिजायर्स, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वॉट एवर इट इज, जो भी आपके उस मूड से रिलेटेड है, मतलब फीलिंग से रिलेटेड है, इट इज डिपेंड ऑन दैट। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ऑल ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्सेप्ट बी, डू एंड हैव आर कॉल्ड मॉडल्स। दे आर यूज टू एक्सप्रेस विश, डिजायर, परमिशन, एडवाइस, ड्यूटी, एबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आप अपनी डेली लाइफ में स्कूल में हमेशा बोलते हैं, मे आई कम इन मैडम, सॉरी मैं इन लगाना भूल गई, अभी लगा देती हूँ, क्या करें, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में निकल पड़ते हैं हम। मे आई कम इन मैडम बोलते हैं ना आप, मैं कम इन मैम। तो मे क्या है, वॉट इज मे? अब आप कहेंगे मैम मे तो महीने का नाम हो गया। नो बेटा, यहाँ पर नहीं है, इट्स नॉट अ नेम ऑफ अ मंथ, इट इज अ मोडाल। MAY मंथ भी होता है और एक मोडाल भी होता है। मोडाल मतलब क्या, मैं अंदर आ जाऊं। इट सेज दैट, व्हाट डज इट से, इट एक्सप्रेसेस अ परमिशन। मैंने भी आपको ऊपर क्या क्या बताया था कि एक विश, एक डिजायर, ये चीज एक्सप्रेस करती है और ये बता रही है कि आपने अनुमति मांगी है, परमिशन मांगी है अंदर आने की। सो दैट इज मे। अब नीचे देखो, दिस इज व्हाट इट विल कम अंडर, परमिशन, व्हेन यू सीक परमिशन। ठीक है, ये आ गया मॉडल, ये वाला, ठीक है, ये वाला आ गया। अब नीचे वाला कैन, अब ये मैं आपको पढ़ने से पहले बता दूं, इट विल टेल द एबिलिटी, मतलब आप क्या कर सकते हो, आपकी क्षमता है ना, हिंदी में बोलो तो हिंदी में भी लिख ही देते हैं क्षमता, आपकी क्षमता बताता है ये। ठीक है, जैसे आई कैन जम्प वेरी हाई, मैं बहुत ऊंचा से कूद सकता हूँ। कूदना मत प्लीज, वरना लोग कहेंगे मैम ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देती है बच्चों को, बच्चे कूद रहे हैं। फिर आएंगे शक्तिमान, फिर बोलेंगे बेटा कूदना नहीं ऊपर से। चलो ये तो होगी मजाक की बात। एबिलिटी, आई कैन जम्प वेरी हाई, ठीक है, मैं बहुत ऊंचा कूद सकता हूँ, तो ये आपकी एक एबिलिटी बताता है कि आई कैन डू इट, है ना, आई कैन पास दिस एग्जाम, आई कैन सिक्योर फर्स्ट रैंक। तो इट शोज योर एबिलिटी, ये आपकी एक क्षमता बताता है। ठीक है, चलिए अब हम मॉडल स्टार्ट करते हैं। और एक चीज बात और है मॉडल्स के अंदर, ये जो है कोई भी जेंडर या किसी भी तरीके से कोई इफेक्ट नहीं होते, एज इट इज यूज होते हैं। जैसे कैन है वो शी के साथ भी आ सकता है, शी कैन जम्प वेरी हाई, ही कैन जम्प वेरी हाई, यू कैन जम्प वेरी हाई। तो कैन चेंज हुआ क्या? नो। ठीक है, मे आई कम इन मैम, तो जवाब में मैं दूंगी यस यू कैन, यस यू मे, हाँ आ जाओ, यस। तो कहीं पर भी ये चेंज नहीं होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर्स। अब आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम पहले पढ़ेंगे कैन, मतलब मैं आपको ऊपरी तौर से बता देती हूँ क्या क्या आता है इसके अंदर। मे, कैन, शुड, शेड, सॉरी फंबल हो रहा है, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, ठीक है, और मस्ट, आउट टू, ये सब आते हैं इसके अंदर। तो हम सबसे पहले कैन पढ़ेंगे। कैन जो है, कैन वर्ड शो करता है एबिलिटी, अभी हमने पढ़ा था ना आई कैन जंप वेरी हाई। सेकंड, परमिशन, किसी भी चीज के लिए पूछने के लिए। देखो तो मे जब आता है ना, आप कहोगे कि मे कैसे आएगा, फिर मे भी उसी के लिए यूज आता है। तो बेटा मैं जब मे जब तब पर जब आएंगे ना हम, तब हम मैं आपको डिफरेंस बता दूंगी कि दोनों में ऐसा डिफरेंस क्या है। ठीक है, और रिक्वेस्ट, ठीक है, पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी का मतलब कुछ हो सकता है, इट कैन हैपन, अंदाजा लगाना, एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जैसे कि शी कैन स्विम, तो ये एक एबिलिटी बताता है कि हाँ वो तैर सकती है। ठीक है, शी इज एबल टू स्विम, फाइन। आई कैन गो,
कैन आई गो सॉरी, तो एक तरीके की देखो ये जो जब हम कैन यूज करते हैं ना किसी भी परमिशन के लिए, देन कैन इज अ सोशल अथॉरिटी इन्वॉल्व्ड देयर। मतलब कि जैसे हम किसी से किसी के साथ जैसे बैठे हैं, हु इज अबव यू, ठीक है, आपसे ऊपर है वो पद में, एज में या कैसे भी, तो एक हमारा एक शिष्टाचार होता है ना, एक एथिक्स वो सॉरी एटिकेट्स होते हैं, कैन आई गो, मैं जाऊं, तो ऐसे। थर्ड, कैन आई यूज योर कार। अब देखो कैन जो है ये एक तरीके की इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। अब आप देखो किसी भी ऐसे इंसान को जिसको आप बहुत कम जानते हो, उसको जाके तो सीधे नहीं कह दोगे ना कैन आई यूज योर कार। ये जो रिक्वेस्ट है कैन वाली, ये आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो उनके साथ आप जो है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट यूज कर सकते हो। द रिजल्ट्स कैन बी डिलेड। अब ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है इट कैन बी डिलेड, कि डिले हो जाए रिजल्ट, लेट आए, ठीक है, इट इज अ पॉसिबिलिटी, कैन बी डिलेड, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ते। नाउ वी विल लर्न अबाउट द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इज व्हाट? पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इज कुड, ठीक है। जब भी हम कोई पास्ट एबिलिटी, मतलब जो हम पहले कर सकते थे अब हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है या वो करने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, वो सब, तो फॉर एन एग्जाम्पल शी कुड स्विम इन हर चाइल्डहुड, जब वो छोटी थी तब स्विम कर सकती थी, बिकॉज हो सकता है उसके बाद उसको मौका नहीं मिला या उसकी जो है वो प्रैक्टिस जो है वो नहीं रही, तो शी कुड स्विम अर्लियर, लेकिन अभी नहीं। तो उस एबिलिटी को जो पास्ट में थी उसको हम डिनोट करने के लिए कुड यूज करते हैं। सेकंड, कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन। अब जब कैन जब हम यूज कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था इट इज अ इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, जो आप अपने करीबियों से, फ्रेंड से, इनसे करते हैं, ठीक है। अब यहां पर और फॉर्मेलिटी आ गई है, मतलब आप किसी ऐसे इंसान से कुछ मांग रहे हो जो कि या जो रिक्वेस्ट जो होता है वो आप कर रहे हो, जो क्या कहते हैं, इट इज वेरी फॉर्मल, यू डोंट नो दैट पर्सन एंड यू आर स्टिल काउंटिंग फॉर द हेल्प और यू आर रिक्वेस्टिंग देम फॉर समथिंग। जैसे कुड यू प्लीज गिव माई पेन, अब ये जो है ये इंसान आपका फ्रेंड नहीं है, ही इज एक्वेंटेंस, मतलब सिर्फ आपको हाय हेलो से है जानते हो उसको, तो आप क्या होगा, आप उससे कुछ हेल्प लोगे तो आप थोड़े से झिझक में होंगे, दैट्स वाई हेजिटेट रहोगे, तो उसमें आप पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। अब ये यहां पर आती है फॉर्मल परमिशन, ठीक है, किसी चीज की परमिशन लेने के लिए, ठीक है। कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं, तो दिस इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल परमिशन। थोड़ा कैन जो है इनफॉर्मल की तरफ आता है व्हेन इट कम्स टू व्हाट रिक्वेस्ट और एनीथिंग, बट कुड में आते ही थोड़ी फॉर्मेलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, दैट्स व्हाई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।